हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्त स्टारो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है आई होप आप सब खुश हो हेल्दी हो अपना ख्याल रख रहे हो सो so, आइए देख लेते हैं दैट आज के लिए डेली मैसेजेस क्या होगा एंड आज यूनिवर्स क्या कहना चाहेंगे आपसे साथ साथ में ये भी चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी फीलिंग्स क्या है आज आप सब लोगों के लिए एंड याद रखना ये दोनों सेगमेंट uh, इस रीडिंग का एक जनरल रीडिंग है सो so, जितना रेजनेट करे उतना ही लेना जो रेजनेट ना करे उसे ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन पे फोर्स मत करना ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा uh, या तो इस रीडिंग के मिडिल पोर्शन में कहीं ना कहीं आप जाके देख सकते हैं नो प्रॉब्लम्स सो लेट एस स्टार्ट लेटस सी यूनिवर्स आज क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए ओके, सो द फर्स्ट थिंग जो मुझे uh, आज लग रहा है इस कम्युनिकेशन आ रहा है ठीक है एक कम्युनिकेशन जो न, आपके लाइफ में कुछ और फाइनेंसेज ला सकता है सो मे बी ये किसी कम्युनिकेशन फ्रॉम अ क्लाइंट कोई बिजनेस क्लाइंट कोई uh, आपका कोई कस्टमर कोई मैनेजर बॉस कलीग या ये आपके लाइक uh, फैमिली like में भी कोई हो सकता है बट एनी ये कोई भी इंसान हो सकता है बट ये पर्सन जब आपको ऐसा कुछ कहेंगे या बोलेंगे जिससे आपके फाइनेंसेस बढ़ने के चांसेस होंगे सो मे बी ये पर्सन कुछ पैसा वापस करना चाहते हैं मे बी ये पर्सन कुछ आपसे परचेज करना चाहते हैं मे बी ए पर्सन आपको आम, किसी भी चीज़ के लिए पैसा देना चाहते हैं ठीक है अब कुछ गिने चुने लोगों के लिए हो सकता है कि ये आम, ऐसा हो कि ये पर्सन आपसे पैसा मांग सकते हैं बट वो बहुत कम लोगों के लिए ओके okay? जो भी लोग देख रहे हो बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होगा कि ये पर्सन आपसे पैसा मांगेंगे एंड आपके ऊपर डिसीजन होगा कि आप इसे पैसा दोगे या नहीं या क्या करोगे बट uh, मैक्सिमम लोगों के लिए आज मुझे आपके फाइनेंसिस में थोड़ा सा ग्रोथ uh, दिख रहा है डेवलपमेंट दिख रहा है स्पेशली लाइक यू आर काइंड ऑफ प्लानिंग योर फाइनेंस प्लानिंग लाइक फाइनेंस को लेके अगर आप स्ट्रेस में थे आई सी यू काइंड ऑफ वर्किंग इट थ्रू ऑल्सो आई फील लाइक यहाँ पे देर इज़ देर इज़ अ डिसीशन जो आज आपके सामने आएगा एंड ये डिसीशन आपको लोग काइंड kind ऑफ of आपके सर पर फोर्स कर सकते हैं स्पेशली ये डिसीशन या तो आपके लव लाइफ में या तो लाइक like, किसी रिलेशनशिप का लाइक रिलेशनशिप इन देंस हमेशा लव हो ये भी ज़रूरी नहीं है ये कैन बी अ फैमिली रिलेशनशिप या आपके दोस्तों के साथ आपके कम्यूनिटी के साथ आपका रिश्ता कैसा है इसके ऊपर एक डिसीशन है देर इज़ समथिंग जो आज आप रिसीव करोगे फॉर श्योर sure, पैसा गिफ्ट या इनाम रिवॉर्ड गुड न्यूज़ कुछ ना कुछ आज आप रिसीव करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो आ, जो काइंड kind ऑफ of आपको थोड़ा सा हैप्पीनेस दे रहा है बट ये जो भी चीज़ है ये बहुत मटीरियलिस्टिक चीज़ है लाइक like ये uh, ये कुछ ऐसा है जिस जिसके पीछे वैल्यू है जिसके पीछे पैसों का वैल्यू है ठीक है सो वैल्यूएबल कीमती सामान ऐसा कुछ आई ऑल्सो सी दैट देर इज़ अ चेंज इन द फैमिली सिचुएशन या फैमिली uh, के साथ जो रिलेशनशिप है आप लोगों का या दो फैमिली मेंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें एक चेंज आते हुए कुछ लोगों के लिए इस फैमिली सिचुएशन में एक झगड़ा हो सकता है या आपके साथ किसी फैमिली का झगड़ा हो सकता है बट ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि आप उसे काइंड ऑफ अवॉइड कर सकते हो ये कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन आज आप अवॉइड कर सकते हो कैसे कि आप काइंड kind ऑफ of गुस्सा ना करो एंड आप काइंड kind ऑफ of ये सोच लो दैट ये जो पर्सन है आपके सामने जिसके साथ आपका झगड़ा हो सकता है इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बिकॉज आई फील दिस इज़ साम्बडी जो आपके जितना मेच्योर्ड नहीं है दिस इज साम्बडी जो आपके जितना uh, डीपली नहीं सोचते हैं ये वो पर्सन है जो थोड़ा सा ज़िद्दी है ये वो पर्सन है जो आ, सिर्फ अपना मनमानी करते हैं या ये खुद जो समझते हैं सोचते हैं ये दूसरों पे आ, वो जारी कर देते हैं दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक जिसके साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट आज हो सकता है मैक्सिमम लोगों के लिए फैमिली मेम्बर हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई बाहर वाला भी हो सकता है कोई फ्रेंड कोई रिलेटिव कोई लाइक बॉस और वॉट एवर सो so, वो थोड़ा सा है जो आपको ध्यान में रखना है देर इज़ अ रिलेशनशिप आई फील जिसको लेके आप थोड़ा सा चिंतित हो यू नो बिकॉज ये रिलेशनशिप काइंड ऑफ वर्कआउट नहीं कर रहा है दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गिविंग यू होप आपको होप नहीं दे रहा है ये रिलेशनशिप आई सी लाइक फॉर सम ऑफ यू यू आर काइंड ऑफ कमिंग आउट ऑफ इट या आप डिसाइड कर रहे हो टू कम आउट ऑफ इट एंड ऐसा नहीं कि ये डिसीशन आप बहुत दुख के साथ ले रहे हो डिप्रेस होके ले रहे हो आई फील दिस इज़ अ हैप्पी डिसीशन दिस इज़ अ वेरी हैप्पी डिसीजन की लाइक दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर मी आई आएम चेंजिंग फॉर सम ऑफ यू दिस कैन ऑल्सो बी अ जॉब कि मेरे लिए ये जॉब ज़्यादा फायदेमंद नहीं है एन आई एम चेंजिंग द जॉब और आई एम चेंजिंग दिस रिलेशनशिप सो देर इज समथिंग जो काइंड ऑफ आप चेंज कर रहे हो देर इज समथिंग जो आप काइंड कट ऑफ कर रहे हो बिकॉज कुछ है जो आपके लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रहा है फॉर सम ऑफ यू दिस इज अ कम्युनिकेशन जो आप दोनों के बीच में हो रहा है आप और कोई किसी और के बीच में आ, जो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर रहा है लाइक like आप दोनों में एक गैप हो गया था एक एक डिस्टेंस बन गया था एंड ये सिर्फ लव में नहीं ये किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ में हो सकता है एंड फाइनली वो गैप आप लोग ब्रिज कर रहे हो फाइनली आप लोग वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर रहे हो फाइनली क्लियर कट कम्युनिकेशन कर रहे हो कि एक्चुअली में क्या हुआ था Okay, so that is the overall uh, scenario that I see for you guys. So let us move on to the next segment that is your person's current energy. What is your person's current energy? Wow, we have the King of Pentacles, Queen of Pentacles, hmm. Knight of Cups. Interesting. Four of Pentacles, Five of Wands. Okay. Um, first of all, this is a very good thing that here Queen be here, King be here. सो दिस इज़ लाइक अ पर्सन जिन्हें uh, इस वक्त बहुत पॉजिटिव सा महसूस हो रहा है इस कनेक्शन के लिए दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस कि यू you नो know, मेरा मेरा कनेक्शन वर्कआउट कर सकता है दिस कैन कैन हैपन कुछ प्रॉब्लम्स कुछ इश्यूज है जो मुझे दिख रहा है जिसके साथ आप लोग डील कर रहे हो बट आज का जो एनर्जी है दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी लेकिन एक प्रॉब्लम है दैट इज यहाँ पे जो फेमिनिन एनर्जी है द क्वीन ऑफ पेंटिकल द फेमिन है मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ मैं फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ फेमिन एनर्जी मतलब जो ज्यादा केयरिंग है जो ज्यादा इमोशनल है या जो सेंसिटिव है या यू नो हुस आफ्टर द रिलेशनशिप एक काइंड ऑफ फेमिन है ये फेमिन इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड ये फेमिनिन काइंड ऑफ इस वक्त अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट uh, है या अपने ऊपर बहुत ज़्यादा औरिएंटेड um, है यू नो बिकॉज आई फील ये फेमिनिन इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन या ये फेमिनन एक ट्रांसफॉर्मेशन पे जा चुकी है सो so, इस फेमिन को इस वक्त पता है कि उनके खुद के वैल्यूज़ क्या है वो खुद के लिए क्या करना चाहती है या वॉट कैन शी डू टू मेक हर लाइफ बेटर पहले क्या होता था शायद ये फेमिनिन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हुआ करती थी मैस्क्युल पे यह फेमिनिन बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी या ये फेमिन लाइक like, किसी और नजरिए से देखती थी पूरे दुनिया को अपने ऊपर ध्यान नहीं देती थी बट राइट नाउ द फेमिन इज इज़ ट्रांसफॉर्म्ड ये फेमिनिन अपने आप को प्रायोरिटी बना रही है ये अपना ख्याल रख रही है अपना करियर uh, अपना फैमिली अपना बॉन्डिंग अपना मेंटल हेल्थ फ़िजिकल हेल्थ सब कुछ का ध्यान रखती है ये फेमिनिन। सो so, रखते रखते सेल्फ लव हीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन ये सब करते करते क्या हुआ इस फेमिनिन का जो एनर्जी है वो काफ़ी हाई वाइब्रेशनल हो गया है ओके एंड सिंस ये एनर्जी इतना हाई हो गया है फेमिनिन का इतना पॉजिटिव हो गया है फेमिनिन का ये मैस्क्युल ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड हो रहे हैं ये मैस्क्युलन ऑटोमैटिकली काइंड ऑफ देख पा रहे हैं कि देर इज़ अ चेंज ओ माई गॉड लाइक इस एनर्जी में शिफ्ट है ये मैस्क्युलज काइंड ऑफ गेटिंग रेडी कि ये फेमिनिन के पास वापस आए या फेमिन को कुछ ऑफर करें पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जो फेमिनिन एनर्जी है दिस पर्सन इज काइंड ऑफ अपने खुद में ही इतना स्टेबल हो चुकी है कि इनको तभी जाके वो मैस्कुलिन इम्प्रेस कर पाएंगे जब वो मैस्कुलिन एक्चुअली में कुछ ऐसा करेंगे जो इस फेमिनिन के एनर्जी को मैच करता है फेक प्रोमिसज और यू नो इन एंड आउट करना और किसी को सेल्फ रेस्पेक्ट ना देना और किसी को वैल्यू uh, ना करना किसी को टेक इन फॉर कराना ये सब ये सब एक्सक्यूज अब काम नहीं करेगा मैस्क्युलन के लिए सो द मैस्क्यूलर नीड्स टू स्टेप अप द मैस््यूलन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है कि मुझे चेंज होना पड़ेगा क्योंकि मेरी जो फेमिनन uh, एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है सो द मैस्क्युल अब क्या कर रहे हैं द मैस्कुलन इज ट्राइंग टू मैच विथ दैट एनर्जी मैस्क्युलिन को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए लाइक वॉट इज हैपनिंग क्योंकि पहले जैसा तो अब कुछ नहीं रहा तो मुझे कुछ तो चेंज अपने में भी करना पड़ेगा ताकि मैं इस कनेक्शन को वर्कआउट करवा सकूँ बिकॉज आपके जो मैस्क्युल है इस रिलेशनशिप में ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुके हैं सडनली ये आपको डेफिनेटली कुछ ऑफर कर करना चाहते हैं या कर रहे हैं या बहुत जल्दी करेंगे फॉर श्योर लेकिन यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि इस मैस्कुलिन को ये जो नाइट है इस नाइट से किंग में बदलना होगा बिकॉज यहाँ पे क्वीन बैठी हुई है सो so, एक नाइट कभी एक क्वीन को इम्प्रेस नहीं कर सकता यू नो अगेन जेंडर इज नॉट इम्पॉर्टेंट जेंडर कैन मैं यहाँ पे जस्ट एनर्जी की बात कर रही हूँ सो इट इज़ द सेम इफ यू आर अ मेल और अ फीमेल जो इसको देख रहे हो इट इज नो इश्यूज कि आप कौन से जेंडर के हो, ठीक है इट कैन स्टिल रेजनेट लेट इज सी वॉट इज दिस पर्सन ट्राइंग टू टेल यू क्या बोलना चाहेंगे ये जूरीकेशन ग्रेट फॉर्चून Uh, पह पहला चीज जो ये पर्सन आपको कहना चाहेंगे दैट ये पर्सन फाइनली आपके वैल्यू देख, देखने लगे हैं मेन फीमेल मच्योर वुमन इस पर्सन को आपका वैल्यू दिखने लगा है पाथवे अब कुछ लोगों के लिए आई ऑल्सो सी दैट देर हैज बीन अदर पीपल जो इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस uh, कर रहे थे Now what do I mean by that? I feel like there is like आपके जो मैस्क्यूलन है ये काइंड kind ऑफ of काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर चुके हैं अपनी लाइफ में या किए थे एक टाइम पे लाइक देर वर थर्ड पार्टीज इन दिस कनेक्शन अगर थर्ड पार्टी नहीं तो शायद उनकी कोई और पर्सन जैसे फ्रेंड हो गया पेरेंट्स हो गए कजनस हो गए या कोई भी कोई भी इंसान था जो इस कनेक्शन के बीच में आ रहा था या आ रही थी इस कनेक्शन के आ, लिए एक ब्लॉकेज क्रिएट किया गया था एंड राइट नाउ आपके पर्सन आपको ये आज कहना चाहेंगे कि इस पर्सन को फाइनली दिखने लगा है कि आप कितने वैल्यूएबल हो कि आप कितना पावरफुल हो जो शायद ये पर्सन आपको अंडर एस्टिमेट करते थे या अंडर एस्टिमेट किए थे बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू चेज यू ये पर्सन आपके पीछे आना चाहते हैं आपके पीछे भागना चाहते हैं बिकॉज दिस इज़ साम्बडी जिन्होंने एक डिसीजन ले लिया है जो भी चीज़ इन्हें रोक रहा था ये जो फैमिली मेम्बर या थर्ड पार्टी या रेस्पॉन्सिबिलिटी या करियर इश्यू जो भी था जो भी चीज़ इन्हें रोक रहा था ये काइंड ऑफ उस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं फिलहाल ताकि ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें एंड आपका रास्ता ले सके बिकॉज ये सडनली इतना अट्रैक्टेड हो गए है आपसे जो इनके लाइक इनको भी समझ नहीं आ रहा है क्यों या क्या हुआ सडनली एंड आई टेल यू क्यों हुआ है ये बिकॉज आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है आपने अपने एनर्जी को चेंज किया है आपने लेवल लेवलअप किया है आपने अपना ख्याल रखा है आज ये नहीं होता अगर आप वहीं पर बैठ के रोते रहते या अगर आप वहीं पर बैठे रहते कि ये कब आएंगे कब आएगा कब आएगी कब क्या होगा कैसे होगा आप वेट कर रहे हो बैठ के नो no. सिंस आपने वो नहीं किया सिंस आपने काइंड ऑफ पावर अपने हाथों में लिया है उसका यही रिजल्ट होता है दिस इज लाइक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओके सो दैट इज वॉट आई सी फॉर यू